hi children this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms friend and foe children in the previous video we understood about carrier of disease causing microbes and also studied remedies children in this video we are going to discuss about food poisoning and preservation of food by various methods children as far as food poisoning is concerned फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंज़म्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमारा खाना माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से खराब हो जाता है मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म का अटैक हो जाता है जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है और वही खाना अगर हमने खा लिया तो हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से यानी कि सूक्ष्म जीवों की वजह से हमारा खाना जहरीला हो जाता है और उसे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिज़र्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग्स पॉइंट इसी हमें भोजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम के अटैक से बचाना चाहिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए लेटस्ट स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिजर्वेशन चिल्ड्रन देयर आर सेवरल मैथड्स टू प्रिजर्व फूड so children let us understand them one by one the first method to preserve food items is chemical method sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives these are also used in jams and squashes to check their spoilage sodium benzoate or sodium metabisulfite ye dono केमिकल प्रिज़र्वेटिव होते हैं जिसका इस्तेमाल फलों के द्वारा बनाए गए जैम और फलों का इस्तेमाल करके बनाए गए शरबत यानी कि स्क्वैश को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सोडियम बेंजॉइट नाम का केमिकल प्रिजर्वेटिव इसमें दिखाया गया है और ये जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं इसे हम सोडियम मेटा कहते हैं ये भी एक केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है सेकेंड मेथड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स इज टू यूज कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बच्चों सदियों से मीट और मछली को सुरक्षित रखने के लिए बैक्टीरिया के अटैक से सुरक्षित रखने के लिए साधारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है जो नमक हमारे घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे फिश के ऊपर और मीट के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मछलियाँ फूड आइटम की तरह इस्तेमाल होती हैं यानि कि खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर नमक लगाया जाता है और मीट के ऊपर भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ताकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला रॉमेंगोज़ टैमाराइंड एट्सट्रा साधारण खाने वाली नमक का इस्तेमाल आंवला कच्चे आम और इमली को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि साधारण नमक का इस्तेमाल आंवले को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है इसके अलावा कच्चे आम के ऊपर भी साधारण नमक यानी कि खाने वाले नमक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके थर्ड मेथड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर जैम्स जेलीज एंड स्क्वैशिश आर प्रिजर्व बाय शुगर शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉय फूड जैम जेलीज और स्क्वास जैसी चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है चीनी इनमें से नमी को कम कर देता है जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है यानी कि बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता है और उसकी वजह से जैम जेलीज और स्क्वेस जैसी चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए सुरक्षित रहती हैं ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें जैम दिखाया गया है जिसे सुरक्षित रखने के लिए चीनी का इस्तेमाल यानी कि शुगर का इस्तेमाल किया जाता है ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें जैली दिखाया गया है और जैली को सुरक्षित रखने के लिए भी शुगर का ही इस्तेमाल होता है फोर्थ मैथड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग सो चिल्ड्रन लेट्स अंडरस्टैंड दिस बच्चों इस मैथड में फूड आइटम्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कंटेनर या वेसल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अंदर हवा ना जा सके फिफ्थ मैथड इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ये देखिए बच्चों जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें एक रेफ्रिजरेटर दिखाया गया है यानी कि फ्रिज फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लो होता है जिसकी वजह से कोई भी फूड आइटम्स उसमें लंबे समय तक सुरक्षित रहता है बॉयलिंग केल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों कुछ फूड आइटम्स को गर्म करने या उबालने से उसके अंदर रहे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पास्चुराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ़ माइक्रोव्स दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और उसके बाद तुरंत ही उसे ठंडा कर लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है ऐसा करने से उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज़ इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स पास्चुराइज़्ड दूध को बिना गर्म किए या उबाले पिया जा सकता है उसका सेवन किया जा सकता है क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर देअर फॉर इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन ये देखिए बच्चों जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें लुइस पास्चर को दिखाया गया है जिन्होंने पास्चुराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था ये देखिए बच्चों जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ब्रांड के पॉस्चुराइज मिल्क को दिखाया गया है सिक्स मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स फ्रॉम बैक्टीरिया तेल या सिरके का इस्तेमाल करके हम अचार को बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं